फ्रेंड्स, अब ये हम आगे रोडवेज की तरफ आ चुके हैं। पिछली वाली जो वीडियो थी वो अचानक से मुझसे थोड़ा कट गई थी, पर आधा हमने पिछली वीडियो में बताया था और आधा हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। पहला पार्ट इसका जो बनाया है मैंने, अब ये इसका दूसरा पार्ट है। ये पेट्रोल पंप है इधर, कितनी पेट्रोल पंप है और इधर ये कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है देख सकते हैं आप। ये रोड इधर, ये चौराया है और उधर का रोड पार जो है वो उधर गया है गांधी पार्क की तरफ। और इधर ये टंकी है आप देख सकते हैं। और इधर है मेन रोडवेज। रोडवेज के अंदर फिलहाल मैं अभी जा नहीं रही हूँ, टंकी के पीछे रोडवेज है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रोडवेज आ गया है इधर। ये रुद्रपुर डिपो आपका हार्दिक स्वागत करता है। रोडवेज है ये, रुद्रपुर का मेन रोडवेज है ये। यहाँ से बस जाती हैं देख सकते हैं आप। इधर अंदर कितनी सारी बसें खड़ी हैं देख सकते हैं। शॉप पर आ गए हैं पर मेन मार्केट में हम अभी नहीं गए फिलहाल में। देखो अगर यहाँ ही से ले लिया तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर मेन मार्केट में जाना पड़ेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब मम्मी जा रही हैं गांव और हम लोग मम्मी गांव जा रही हैं और पापा और मैं हम लोग घर जाएंगे। और ये सामान हमने ले लिया है, अब हम देख सकते हैं आप हैं तो दे दो। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ रोडवेज तक आए थे और यहाँ की बराबर वाली शॉप से ही हमने सामान खरीद लिया है और अब हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये हम रोडवेज के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं रोडवेज के हालचाल क्या हो रहे हैं। अंदर बहुत सारी बसें खड़ी हैं। यहाँ अनाउंसमेंट होती है रोडवेज बसों की। इधर खाने के लिए भी सुविधा है जो लोग आते हैं यात्रीगण। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। ये रोडवेज है पूरा इतना बड़ा, देख सकते हैं आप कितनी सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ धूप निकल चुकी है पर फिर भी अभी पूरी तरीके से नहीं निकली है। तो आप देख सकते हैं पापा और मैं हम लोग घर जा रहे हैं। ये पापा आ रहे हैं, मफलर लगा रखा है इन्होंने, तो हम घर जा रहे हैं। ये रोडवेज का दूसरा वाला गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे ऑटो टुक टुक खड़े हैं, साइन बोर्ड है। फ्रेंड्स, यहाँ कितने सारे ये फ्रूट्स की ठेली लगी हुई है। इधर यहाँ ये रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर रामलीला होती है हर वर्ष हमारे यहाँ रुद्रपुर में। और ये ऊपर दूर दिख रहा होगा आपको, वो दूर रेस्टो बार है। ये नया देख सकते हैं गाइस, बार है ये रुद्रपुर में, सुपर स्ट्रीट है। दूसरा नया मॉल खुला है ये। जब हम गए थे तब दूसरे रास्ते से गए थे और ये अब दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, पर ये दोनों रास्ते एक ही है, जा कर के मिल जाते हैं। वो रास्ता आगे वाला है। हाँ हाँ, वो मामा है, सर जी मामा। फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, पापा जा रहे हैं इधर और ये मैं जा रही हूँ। अभी घर पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि हम पैदल ही गए थे और पैदल ही आ रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब फाइनली हम इधर रोड पे आ गए हैं जिधर रोड से हम गए थे। देखिएगा ये जो वाला रोड है, इस रोड से हम गए थे। और ये देखिएगा, आप देख रहे हैं कंचन तारा होटल है। अब हम इधर आ गए हैं, जब हम गए थे तब हम इस वाले रोड से गए थे और अभी हम जब आ रहे हैं तब हम ये जो आप सामने देख रहे हैं इस रोड से आए थे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितना बड़ा पेड़ है ये। आप बता सकते हैं इसके पत्ता देख के किस चीज़ का पेड़ है, कमेंट में ज़रूर बताना किस चीज़ का पेड़ है ये। मैं लम्बा चौड़ा इसकी पूजा होती है हम लोगों में। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा बताया था होटल है गगनज्योति, यहाँ शादी बरातें होती हैं। और ये अब हम अंदर कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको ये दिखाया था, ये न्यूज़ प्रिंट है। और अब इधर से हम इस साइड को मुड़ेंगे इधर। अभी बहुत दूर है क्योंकि पैदल जा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बताया था ये वही पुल है जो रुद्रपुर में बाढ़ आई थी एक महीने पहले, तो वो टूट चुका है यहाँ से। अब इधर पटली बना दी है, ये जा रहे हैं इससे। इधर कितनी सारी गंदगी हो रखी है ये। Okay.
दस रुपए का? हाँ, दस का ही तो देते हैं। देसी अंडा जा रहे हैं रास्ते में, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे इधर का शमशान भूमि है। यहाँ लोगों को लाया जाता है, जलाया जाता है और दबाया जाता है, और मंदिर भी है इधर ये। फ्रेंड्स, अब हम अपने इधर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे इधर की छोटी मोटी बाजार है ये, और इससे थोड़ा सा पार जा कर के हमारा घर है। अभी दिखाते हैं हम आपको। अब हम फ्रेंड्स अपने घर की तरफ आ चुके हैं, और अब बस थोड़ी सी दूरी पर रह गया, दो कदम की, वो दिखाती हूँ। हमारे जल का हैंडपम्प है, मेरे घर के सामने ही है, थोड़ा सा दूरी पे है बस। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा घर। मैं अब आ चुकी हूँ अपने घर पर, पापा थोड़े पीछे रह गए हैं और मैं अंदर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।